दोस्तों, देवासी समाज का महाकुंभ था जोधपुर में, जहां एक बच्ची ने संबोधन किया, वो आप सुनिए इस वीडियो में। सभी प्लीज शांति बनाए रखें। एक बार जय जयकारा हो जाए। देवासी समाज की जय। देवासी समाज की जय। देवासी समाज की। तो सबसे पहले तो सम्मानीय मंच पर विराजमान भगवान के रूप में पधारे सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, और यहाँ पे पधारे हुए मेरी माताएं, भाइयों, बहनों और सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं कोमल देवासी पादुकला नागौर से। मैं स्पीच शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि सांचौर घटना, कुछ हथियारों के द्वारा लक्ष्मण जी सांचौर की निर्मम हत्या कर दी गई है, उन्हें अखिल भारतीय देवासी समाज से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उन्हें सच सच नमन करती हूँ। और मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रतन जी रानीवाड़ा का, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि लीडरशिप क्या होती है, इतने बड़े मुद्दे को किस प्रकार हैंडल किया है, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती थी। इस महाकुंभ पर भी बहुत बड़ा असर हो सकता था, लेकिन ये काम तारीफ काबिल था। इसलिए कहते हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या युद्ध के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक मुखिया व एक सेनापति की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना सही सेनापति चुनिए, क्योंकि जिस सेना का सेनापति मजबूत, निडर, साहसी व सही निर्णय लेने वाला होता है, वह सेना कभी नहीं हारेगी, वह सेना कभी नहीं हारेगी। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने खुद कमान संभाली और लंका पर विजय हासिल की, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का खुद नेतृत्व किया, मुगलों की लाखों सेना पर विजय हासिल की, हमारे छत्रपति शिवाजी, सूरजमल जी जाट और ऐसे अनेक उदाहरण है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना सही सेनापति चुनिए, क्योंकि एक सेनापति बहुत ही आवश्यक है। आप अपने पारिवारिक मुद्दों से ऊपर उठकर इतने यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है बैठे हैं, उनका साथ दीजिए। आने वाला राजनीतिक पार्टियां आपके कदम चूमेंगी, पार्टियां आप बनाते हैं, आपको पार्टियां नहीं बनाती है। इसलिए उन लोगों का साथ दीजिए, हमारे समाज वालों का साथ दीजिए। जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।